बिहार में गया जिले के थाना चेरकी इलाके के कोलोना पहाड़ के पास रहने वाले मृतक राशीन खातून की माता पिता ने बताया कि हमारे परिवार के सदस्य की हत्या हुई है। ये सर मतलब घटना जो हुई है हमारी जनवरी में, हमारी बच्ची को इन्होंने जहर दिया। तारिक जफर और सफी अहमद और उनकी वाइफ मिल के सब ये घटना को अंजाम किया। ये तारिक जफर कौन है? ये उनके शौहर होते हैं, बच्ची के रिजवाना खातून के शौहर होते हैं आपके तारिक जफर, और उनके रिश्तेदार होते हैं आपके सफी अहमद। इनको ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया दहेज के चलते कि हम शादी जो हुई थी वो आपके शादी कब हुई थी? शादी हुई थी आपके के ये 6 साल पहले। अच्छा, 6 साल पहले शादी हुई थी। इन्होंने बराबर टॉर्चर करते रहे कि हमको और दहेज दो दहेज दो दहेज दो। इसी के कारण ये मामला बढ़ा, हम नहीं दे सके। तो दहेज आप वो मांग रहे थे, तो थाना में इसकी सूचना आप लोग दिए थे? नहीं, सूचना तो हम नहीं दिया। पंचायत नहीं, कोई पंचायत में भी नहीं दिया था सर। अच्छा, कि नहीं, यही मजबूरी के तहत में कि हमारे पास सलाहियत नहीं थी। हाँ, इसलिए हम नहीं दे सके। जी, कितने दिन पहले उनको मार दिया गया? ये हुआ आपको जनवरी महीने में। शादी कहाँ हुई थी उनकी? ये खाप हुई थी, चेरकी खाप, दोनों जगह उनका मकान था। अच्छा, मगर ये घटना जो हुई वो चेरकी में हुई, शादी जो हुई थी वो मतलब खाप से हुई थी। बच्ची के बच्चा दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं इनके। थाने में जाके आप लोगों ने थाना में FIR दर्ज है बच्चे का? जी हाँ, थाने में भी। FIR नंबर क्या है? FIR नंबर 23/2022। अच्छा, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुए? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाने में दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? हम ये दौड़ रहे हैं 1 महीना से। अच्छा, आप समझे, ये घटना हुई है दिन में करीब 11:30 बजे। मुकदमा दर्ज करा है? हाँ, मुकदमा दर्ज हो चुका है। जिसका कांड संख्या क्या है? ये तो हम 23/2022। ठीक है, थाना क्या बोलता है? थाना क्या बोलेगा, थाना माल पानी लेके बैठा हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं, उसको सजा होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, फांसी पड़ जाना चाहिए। परिचय दें अपना। हाँ, मेरा नाम हुआ मोहम्मद हलीम खान। कहाँ रहते हैं? कोलोना में रहते हैं। कौन है इनके आप? कोई नहीं, गए गाँव के हैं। ठीक तो बोलो, क्या घटना हुई है? तो जोर से बोलिएगा, इसका आवाज़ को दबा दीजिएगा। इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि बहुत परेशान हो गए रहे। हम लोग से कुछ नहीं काफी थी। क्यों क्यों मारा गया उनको? नहीं, पहले थोड़ा बहुत जैसे कही, उसके बाद फिर लास्ट में कुछ नहीं कही। ऐसा घटना अल्लाह जाने ना कैसे खिलाएं थे जहर। पापा, पापा, क्या नाम है तुम्हारा? साकिब। साकिब, हरदुयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जा चुका है जी। ये अनुसंधान चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है। हाँ, भेसरा रिजर्व रखा गया है जी। भेसरा रिजर्व आने के, भेसरा रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, और जिस पर सही पाया जाएगा उसको गिरफ्तार करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं किया गया है? अनुसंधान पश्चात अभी को गिरफ्तारी की जाएगी, गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।